हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्टैंड्स। फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं फंक्शनल एनालिसिस के हिल्बर्ट टॉपिक में, जिसमें वेरी इंपॉर्टेंट मेरे पास टॉपिक है ऑपरेटर। ठीक है, ऑपरेटर में आपको हम बताएंगे कि एडजॉइंट ऑपरेटर क्या होता है, मेरे पास सेल्फ एडजॉइंट ऑपरेटर क्या होता है, और ऐसे बहुत सारे यूनिटरी ऑपरेटर होते हैं, पॉजिटिव ऑपरेटर होते हैं, तो हम सभी ऑपरेटर के बारे में डिस्कस करेंगे। लेकिन इस वीडियो के थ्रू पहले हम आपको बताएंगे ऑपरेटर क्या होता है और एडजॉइंट ऑपरेटर क्या होता है, और इसमें शायद इसी वीडियो में हम आपको बता पाएं सेल्फ ऑपरेटर, नहीं तो नेक्स्ट वीडियो में आपसे डिस्कस करेंगे सेल्फ ऑपरेटर और यूनिटरी ऑपरेटर और पॉजिटिव ऑपरेटर के बारे में। तो इन्हीं टॉपिक का आज हम कंक्लूजन देखेंगे और इनका विस्तार से सीखेंगे और इनके थ्योरम पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो पहले स्टार्ट करते हैं हम लोग ऑपरेटर क्या होता है। तो ऑपरेटर में आपको क्या करना होगा, एक मैपिंग डिफाइन करनी होगी। ठीक है, तो ऑपरेटर में क्या करते हैं हम लोग, क्लियर कर लेते हैं कि H मेरे पास क्या है। H है एक हिल्बर्ट स्पेस होता है, H भी है हिल्बर्ट स्पेस, ये बात समझ में आ गई। तो H मेरा क्या है, हिल्बर्ट स्पेस है। सेकंड बात, देन तो हम लोग क्या करते हैं, देन एक कंटिन्यूअस वो भी लीनियर, कंटिन्यूअस लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, कंटिन्यूअस लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, मेंशन लेते हैं। वो ट्रांसफॉर्मेशन कैसा है कि टी सच दैट एच इंटू एच, मतलब ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम एच इंटू एच का, ये बात समझ में आ गई नहीं आ गई। और यही मेरा क्या कहलाएगा, इज कॉल्ड एन ऑपरेटर। ठीक है, तो ये मेरा क्या कहलाएगा, ऑपरेटर कहलाएगा। तो बात समझ आ गई ना। तो इस ट्रांसफॉर्मेशन को, यानी टी जो मेरे पास आया है, ये ऑपरेटर होता है, और जिसके अकॉर्डिंग हम पॉजिटिव ऑपरेटर, यूनिटरी ऑपरेटर और एडजॉइंट ऑपरेटर के बारे में जानकारी लेंगे। बहुत ही सिंपल है, तो इसको नोटेशन को टी बोलते हैं। टी मतलब होता है ऑपरेटर, टी इज एन ऑपरेटर, राइट, किस पर, ऑन हिल्बर्ट स्पेस एच पर। ये तो बात समझ आ गई ना। कुछ नोटेशन होते हैं, ठीक है, नोटेशन, उनके बारे में जान लो। भाई बी एच लग गया मेरा, तो बी एच का मतलब क्या होता है, बी एच का मतलब होता है सेट ऑफ ऑल ऑपरेटर ऑन एच, द सेट ऑफ ऑल ऑपरेटर ऑन एच। ठीक है, द सेट ऑफ ऑल ऑपरेटर ऑन एच, इसमें कुछ बताने लायक तो है नहीं, तो एच पर जितने भी ऑपरेटर होते हैं उसका सेट है ये। ठीक है, अब ये तो समझाने लायक नहीं, तो मैं आगे बढ़ रहा हूं। फिर नेक्स्ट, मेरे पास अगर B ऑन H स्टार आता है, इसका मतलब क्या होता है, द सेट ऑफ ऑल ऑपरेटर ऑन H स्टार, वेयर H स्टार इज ए कंजुगेट स्पेस, राइट। तो ये दोनों बातें मेरे पास क्लियर हो गई, अब हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास डेफिनेशन आती है एडजॉइंट ऑफ एन ऑपरेटर। ठीक है, तो इसके बारे में कुछ जानकारी ले लो। एडजॉइंट ऑफ एन ऑपरेटर दैट मीन्स, अगर आपके पास कोई मैपिंग, तो हिल्बर्ट स्पेस पूरे सब कुछ डिफाइन कर लो डायरेक्टली, ये तो ये सब बता दो डायरेक्टली, है ना, कि मेरे पास ये एक हिल्बर्ट स्पेस होता है, एक ट्रांसफॉर्मेशन लेते हैं। ठीक है, अब ये हमारा एडजॉइंट ऑपरेटर तब होगा जब ये कंडीशन सेटिस्फाई हो कि एच टी कम वाई इक्वल टू एक्स कमा टी स्टार वाई। ठीक है, एच टी कम वाई इक्वल टू एक्स टी स्टार कम वाई फॉर ऑल एक्स कम वाई बिलोंग्स टू एच। तो ये कंडीशन अगर हम सेटिस्फाई करते हैं तो वो हमारा क्या होता है, एडजॉइंट ऑफ एन ऑपरेटर होता है। ठीक है, बहुत ही सिंपल है, आप इसको समझ लें, और इसी के हेल्प से हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, अपनी थ्योरम्स लगाएंगे, कोई डाउट नहीं इसमें। ठीक है फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर थ्योरम लिया है जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है, कहीं ना कहीं मतलब आपके इनमें से कोई ना कोई आया ही होगा प्रॉपर्टीज प्रूव करने के लिए, तो ये समझना वेरी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, आपके शॉर्ट मार्क्स क्लियर कराते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास क्या होंगी, थ्योरम द एडजॉइंट ऑपरेटर टी इंटू टी स्टार ऑन बी एच हैज फॉलोइंग प्रॉपर्टीज, ये प्रॉपर्टीज है जो कि मुझे प्रूफ करना है, तो प्रूफ देखते हैं इसका, हम लोग बारी बारी प्रूफ देखेंगे।
पहले प्रूफ देखेंगे फर्स्ट का। वैसे कि एडजॉइंट मैंने आपको बता दिया कि एक दूसरे से अगर ये एडजॉइंट हैं तो दैट मीन्स उसके लिए मेरे पास प्रॉपर्टी क्या होती है वो मैंने आपको समझा दिया था, ठीक है। अब वही प्रॉपर्टी लेकर मैं सभी को सॉल्व करना चाहूंगा। तो यहाँ पर पहले को मुझे प्रूफ करना है, तो मैंने लिया इनर प्रोडक्ट एक्स कामा टी वन प्लस टी टू स्टार और ये वाई, ठीक है। आपको ये प्रॉपर्टी पता ही है कि अगर इसको मैं इधर लिखना चाहता हूँ, इसको मैं अगर इधर लिखना चाहता हूँ तो ये क्या हो जाएगा, तो ये प्रॉपर्टी आपको पता है, ठीक है। तो इसको इधर लेकर आओ तो ये हो जाएगा मेरे पास टी वन प्लस टी टू और इंटू एक्स कामा वाई, बिकॉज अभी मैंने आपको एक प्रॉपर्टी बताई है कि टी एक्स कामा वाई इज इक्वल टू एक्स कामा टी स्टार वाई, राइट। तो ये मैंने अभी आपको समझाया ही है, तो इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग, इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग मैं इसको ऐसा राइट कर सकता हूँ, बिकॉज ये दोनों इक्वल है, तो इससे ये और इससे ये दोनों आराम से आ सकते हैं, तो मैंने इससे मतलब इससे ये राइट कर दिया। तो इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब मैं आगे देखो क्या करता हूँ, तो यहाँ से मैं एक्स से मल्टीप्लाई करता हूँ, मेरे पास हो जाएगा टी वन एक्स प्लस ये मेरे पास हो जाएगा टी टू एक्स और कामा मेरे पास हो जाएगा वाई। इसको मैं आगे इनर प्रोडक्ट कर देता हूँ, तो मेरे पास आ जाएगा इनर प्रोडक्ट टी वन एक्स, ठीक है, कामा वाई और प्लस इनर प्रोडक्ट टी टू एक्स कामा वाई। इसको आगे और सॉल्व कर लेते हैं, तो यहाँ से मेरे पास निकल के आ जाता है ये, ठीक है। तो एक्स कामा टी वन स्टार वाई और प्लस एक्स कामा टी टू स्टार वाई, और इसको अगर और सॉल्व कर लो तो मेरे पास हो जाता है एक्स कामा टी वन स्टार वाई और प्लस टी टू स्टार वाई, और इसको सॉल्व करें तो ये हो जाएगा एक्स कामा वाई ले लो कामन, तो हो जाएगा टी वन स्टार वाई, सॉरी टी वन स्टार प्लस टी टू स्टार और ये मेरे पास हो जाएगा वाई। बस समझ आई। तो अगर हम लोग फिर अब इस मतलब कि एडजॉइंट ऑफ एन ऑपरेटर की यूनिक प्रॉपर्टी लगाएं, यूनिकनेस प्रॉपर्टी, तो देयर हैज ए यूनिकनेस, यूनिकनेस प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी ऑफ किसकी प्रॉपर्टी होती है, ये होती है एडजॉइंट, एडजॉइंट ऑफ एन ऑपरेटर, ठीक है, उससे आप कर लें तुलना, ठीक है, बाय। तो इससे आप करेंगे तुलना, कहने मतलब आप इससे आप कंपेयर करके देखेंगे, कहने मतलब ये है कि आप इससे कंपेयर करें तो आपको पता चल जाएगा कि क्या है एक्चुअली में ये। तो अगर कंपेयर करते हैं तो आपको यहां से निकल के आता है कि टी वन प्लस टी टू का होल स्टार इक्वल टू टी वन स्टार और प्लस टी टू स्टार, ये तो बात समझ आएगा। ये तभी प्रॉपर्टी होगा जब ये मेरे पास ऑपरेटर होगा, तो जब भी कभी ऑपरेटर का काम आए तो आप इसको डायरेक्टली ऐसे राइट कर सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है, ठीक है ना। तो अब हम आगे बढ़ते हैं अपने डेफिनेशन के अकॉर्डिंग, नेक्स्ट में चलता हूं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी मेरे पास है सेकंड, चलो इसको प्रूव कर लेते हैं। तो यहां पे है अल्फा टी स्टार, तो भाई उसी प्रकार ले लीजिए अल्फा टी स्टार वाई, ठीक है, इक्वल टू मेरे पास हो जाएगा एक्स अल्फा टी, सॉरी अल्फा टी एक्स कमा वाई, ये हो जाएगा। और अगर आप इसको बाहर करेंगे, प्रॉपर्टी भी सीखी थी है ना, तो मैंने पढ़ाया भी था कि आपके सामने अगर कभी ऐसा आ जाए ए एक्स कामा वाई इक्वल टू, तो आप लिखेंगे डायरेक्टली ए इंटू इनर प्रोडक्ट एक्स कामा वाई, इसको डायरेक्टली लिख सकते हैं। तो कहने मतलब यहाँ से हो जाएगा अल्फा, ठीक है, और ये हो जाएगा मेरे पास टी एक्स कामा वाई, कोई दिक्कत नहीं आ तक। अब टी को उधर लेकर जाएंगे तो आपके पास हो जाएगा ये अल्फा एक्स इन कामा टी स्टार वाई, राइट। अब अगर ये यहाँ से अब क्योंकि नेक्स्ट प्रॉपर्टी आपको पता है कि अगर x कामा ए वाई ऐसा होता है, तो मैं इसको डायरेक्टली लिखता हूँ कि a बार x कामा y, तो अगर आप a बार x कामा y है तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ, यहाँ तो a बार तो है नहीं, तो इसको बार बनाने के लिए मैं क्या करूँगा, इसका बार का बार कर दिया, ठीक है। तो अब ये बार में बन गया नहीं बन गया, तो ये वैल्यू जो होगी वो यहाँ पे राइट कर सकते हैं हम, तो मतलब यहाँ से अंदर अगर ये जाएगा तो ये हो जाएगा इनर प्रोडक्ट x कामा t स्टार, सॉरी अल्फा बार टी स्टार वाई, ये राइट हो जाएगा, राइट हो गया। फिर आप इसकी यूनिकनेस प्रॉपर्टी ऑफ एडजॉइंट ऑफ एन ऑपरेटर अप्लाई करेंगे, तो यहां से वैल्यू क्या निकल के आएगा, सो इंप्लाई दैट आपके सामने वैल्यू निकल के आ जाएगा कि अल्फा टी का होल स्टार इक्वल टू अल्फा बार टी स्टार, ठीक है। तो इस तरीके से आप सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट मेरे पास थर्ड ऑप्शन है, थर्ड मेरे पास क्या है भाई, थर्ड को देख लेते हैं आप।
थर्ड कहता है कि टी वन इंटू टी टू का होल स्टार, तो टी वन टी टू का होल स्टार इक्वल टू टी टू स्टार इंटू टी वन स्टार। ठीक है, अब देखते हैं क्या होगा इसका। तो ये क्या है, ये टी वन स्टार क्या है, ये एक प्रकार का स्पेशल ऑपरेटर है, ठीक है ना, ये भी एक प्रकार का ऑपरेटर ही है, तो इसे आप घबराए ना कि ये स्टार में क्या, तो ये भी एक प्रकार के क्या है, ऑपरेटर है, ठीक है ना। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, तो यहां से देखें, अब इसको अगर मुझे प्रूफ करना है तो मैं क्या करता हूँ, फिर उसी अपनी डेफिनेशन में चलता हूँ और आराम से इसको प्रूफ कर लेता हूँ कैसे। देखो बारी बारी देखना है तुम्हें, तो यहाँ पे लेंगे एक्स कामा टी वन इंटू टी टू का होल स्टार इंटू वाई, ठीक है, इज इक्वल टू, ये मेरे पास क्या हो जाएगा, ये मेरे पास हो जाएगा, इधर लेकर आओ तो हो जाएगा टी वन इंटू टी टू एक्स कामा वाई, ठीक है। अब इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, तो यहाँ से हो जाएगा आपका ये, तो यहां से आपका हो जाएगा टी वन एक्स कामा वाई, सॉरी टी स्टार वाई, टी स्टार टी टू स्टार वाई, बिकॉज टी टू को मैंने उधर भेज दिया, अब टी टू को फिर वाई प्रॉपर्टी मैंने अप्लाई किया है, तो टी टू अब बारी बारी सिंगल सिंगल भेजेंगे, तो टी टू को उधर भेजा तो टी टू स्टार होगा, ठीक है ना, प्रोडक्ट क्लोज हो गया मेरे पास। अब मैं टी वन को उधर भेजूंगा तो यहां से हो जाएगा एक्स कामा टी वन स्टार इंटू टी टू स्टार, तो ऑलरेडी मेरे पास आ चुका था, और इंटू वाई, ठीक है। अब फिर आप इसकी यूनिक प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे तो यहां से सो इंप्लाइज दैट, यहां से आपका निकल के आ जाएगा कि टी वन इंटू टी टू का होल स्टार इक्वल टू टी वन स्टार और इंटू टी टू स्टार, तो ये आपका आराम से प्रूफ हो जाएगा, ठीक है। सॉरी ये टी टू पहले आएगा और टी वन बाद में आएगा, ठीक है, ठीक है ना, क्योंकि टी टू पहले आया था, अब ये टी वन बाद में जा रहा है, तो टी टू टी वन बाद में जाएगा, तो इस तरीके से आपने इसको प्रूव किया है, कोई दिक्कत नहीं है। टी वन स्टार इंटू टी टू स्टार इज इक्वल टू, मतलब दोनों बराबर होते हैं, तो आप मतलब चाहे टी वन टी टू को पहले लिखें चाहे टी वन को पहले लिखें, ये मैटर नहीं करता है कि आप इससे कन्फ्यूज हो जाए, क्योंकि हम पहले टी वन को भेज सकते थे या फिर टी टू भेज सकते थे, किसी एक को पहले भेजना है तो आप किसी को भेज सकते थे, जो पहले भेजेंगे वो पहले ही रहेगा, कोई दिक्कत इसमें है नहीं। तो आप चाहे टी वन मतलब टी वन को पहले राइट करें और चाहे पहले टी टू को राइट करें, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है, कि सर ने टी टू राइट किया तो मतलब कोई लॉजिक होगा, तो लॉजिक वॉजिक इसमें कुछ नहीं है, ठीक है। अब मैं आगे बढ़ता हूँ यहाँ पर, तो यहाँ से मेरे पास हो जाएगा कि टी स्टार और फिर अगेन स्टार है इसका, ठीक है, इसको एक बार सॉल्व कर लेते हैं और फिर इसको देखते हैं। चलो भाई, तो इसको सॉल्व करने से पहले मुझे थोड़ा रफ करना पड़ेगा, ठीक है, चलो इधर सॉल्व करता हूँ मैं। तो यहाँ से मेरे पास क्या हो जाएगा कि टी, इसको देखते हैं, एक्स कामा टी डबल स्टार वाई इज इक्वल टू, इसको हम देखते हैं यहाँ पर, से हो जाएगा मेरा एक बार इधर आएगा तो एक स्टार तो खत्म हो जाएगा भाई, तो एक स्टार खत्म आपका, ठीक है, डेफिनेशन के अकॉर्डिंग वाई हो जाएगा इतना। अब मैं इसका अगर कॉन्जुगेट ले लूँ तो भाई आपके सामने आ जाएगा वाई कामा एक्स टी स्टार एक्स, ये मैंने कॉन्जुगेट ले लिया इसका। और फिर अगर मैं इसमें फिर ये ऑपरेटर की डेफिनेशन अप्लाई कर दूँ तो यहाँ से हो जाएगा फिर ये टी एक्स कामा सॉरी टी वाई कामा एक्स, ये हो जाएगा। और फिर कॉन्जुगेट की डेफिनेशन फिर अगेन मैं अप्लाई कर दूं तो यहाँ से हो जाएगा आपका ये एक्स कामा टी वाई। कॉन्जुगेट डेफिनेशन क्या होती है भाई, अगर आपके सामने एक्स कामा वाई ऐसे राइट है तो कॉन्जुगेट लगा है, तो इसको बोलते हैं वाई कामा एक्स, ठीक है। और ऑपरेटर में डेफिनेशन क्या होती है एडजॉइंट की, तो वो तो आपको एडजॉइंट की डेफिनेशन पता ही है कि इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, तो कोई दिक्कत इसमें है नहीं। और बड़े आराम से आप देखेंगे तो कंपेयर करेंगे तो आपके सामने मिल जाएगा यहाँ से टी डबल स्टार इक्वल टू टी, ठीक है। तो ये मैंने प्रूफ कर दिया है, अब मेरे पास फाइनल लास्ट बचा है तो पहले इसको मैं रफ कर लूंगा, उसके बाद मैं लास्ट आपको बताकर क्लियर कर दूंगा। फ्रेंड्स यहाँ पे लास्ट मेरे पास जो है फिफ्थ है जो मेरे पास, वो क्या कहता है, वो कहता है कि मुझे प्रूफ करना है, ठीक है, नॉर्म ऑफ टी स्टार इक्वल टू नॉर्म ऑफ टी। अब देखो ये कैसे प्रूफ होगा, तो इसको प्रूफ करने के लिए मैं ऐसा करता हूँ, कंसीडर कर लेता हूँ, ठीक है। वैसे ये प्रॉपर्टी मैंने कई बार अप्लाई किया है तो इसलिए आपको कोई दिक्कत है नहीं, ठीक है। मैंने कंसीडर किया कि स्क्वायर ऑफ नॉर्म ऑफ टी स्टार वाई, ठीक है, इक्वल टू, इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ, इन अ प्रोडक्ट टी स्टार वाई कामा टी स्टार वाई, ऐसा लिख सकता हूँ। तो यहां से आपके हो जाएगा टी स्टार इधर आएगा तो मेरे पास हो जाएगा टी और टी स्टार वाई कामा वाई, ठीक है। तो इसको मैं लिख सकता हूँ मॉड टी, क्योंकि ऑलरेडी पॉजिटिव होते हैं, इनको कोई दिक्कत है नहीं, तो टी टी स्टार वाई कामा वाई। और यहां से मैं क्या कहूंगा इसको भाई, बाई स्वार्ज, ठीक है, इनइक्वालिटी,
तो स्वर्ज इनक्वालिटी क्या होती है आपको बताने की जरूरत है नहीं मुझे, तो ये डायरेक्टली यहां से हो जाएगा इनर प्रोडक्ट, ठीक है, टी टी स्टार वाई और इनटू इनर नॉर्म ऑफ वाई, ये हो जाएगा लेस आर इक्वल टू। तो यहां तक कोई दिक्कत नहीं फ्रेंड्स, अब आगे बढ़ते हैं देखो अपने डेफिनेशन की ओर। तो यहां से मुझे क्या देखने को मिलता है, तो मैं क्या करता हूँ सुप्रीमम ले लेता हूँ टेकिंग, क्योंकि मुझे वाई हटाना है यहां पर ना, तो इसके लिए टेकिंग सुप्रीमम सुप्रीमम ऑन बोथ साइड ओवर नॉर्म ऑफ वाई लेस आर इक्वल टू वन। तो यहां से मैंने अगर बोथ साइड ये ले लिया और लेस आर इक्वल टू वन है, तो यहां से मुझे क्या मिल जाता है, यहां से मुझे मिल जाता है कि सुप्रीमम, ठीक है, स्क्वायर ऑफ नॉर्म ऑफ टी स्टार वाई और सच दैट, तो यहाँ पे होगा नॉर्म ऑफ वाई लेस आर इक्वल टू वन और ये मेरे पास है लेस आर इक्वल टू, ठीक है, और यहाँ पे है सुप्रीमम और यहाँ से मुझे मिल जाएगा नॉर्म ऑफ टी टी स्टार वाई, ठीक है, इनटू नॉर्म ऑफ वाई और सच दैट, यहाँ से मुझे नॉर्म ऑफ वाई लेस आर इक्वल टू वन, डायरेक्शन से मुझे मिल गई, ठीक है। अब यहाँ से मैं इसको अगर सॉल्व करता हूँ तो यहाँ से मेरे सामने क्या निकल के आता है भाई, वाई तो वाई की जो मैक्सिमम वैल्यू है मेरे पास क्या है वन है, बाकी मिनिमम कुछ भी हो लेकिन मैक्सिमम वैल्यू मेरे पास क्या है वन है। तो यहाँ से मेरे पास आ जाएगा इसका स्क्वायर ऑफ नॉर्म ऑफ टी स्टार, ठीक है, इसका स्क्वायर। अब यहां से लेस आर इक्वल टू और यहां से मेरे पास क्या है सुप्रीमम, भाई यहां से भी देखो वाई की मैक्सिमम वैल्यू क्या है वन है, तो यहां से डायरेक्टली आपके सामने आ जाएगा नॉर्म ऑफ टी इंटू टी स्टार, ठीक है। इसको आगे मैं अगर ब्रेक करूंगा तो यहां से मेरे सामने आ जाएगा नॉर्म ऑफ टी इंटू टी स्टार और का स्क्वायर होता है, और वैसे भी आपको ये प्रॉपर्टी पता है, ठीक है, तो मैं इसको ब्रेक करूंगा तो यहां पे हो जाएगा टी और ये मेरे पास टी स्टार, एक तो मेरा कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। तो यहां से मेरे सामने निकल के आ गया है नॉर्म ऑफ टी स्टार लेस आर इक्वल टू नॉर्म ऑफ टी। मैं क्या करता हूँ रिप्लेस कर देता हूँ, मैंने क्या किया रिप्लेस किया टी स्टार को टी में या फिर टी को टी स्टार में, टी को टी स्टार में, और भी आपको पता है कि टी स्टार का स्टार क्या होता है टी होता है, टी स्टार का स्टार क्या होता है टी होता है। दैट मीन्स मैं इसको डायरेक्टली लिख सकता हूँ कि अगर रिप्लेस करने के बाद इसके करने के बाद तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, इसको इक्वेशन मान लो फर्स्ट, ठीक है, और यहाँ से करने के बाद ये मेरे सामने आ जाएगा नॉर्म ऑफ टी लेस आर इक्वल टू नॉर्म ऑफ टी स्टार, बस में आ गई। इसको मान लिया मैंने सेकेंड बाई फर्स्ट एंड सेकेंड बाई फर्स्ट एंड सेकेंड, तो मेरे पास क्या हो जाएगा नॉर्म ऑफ टी स्टार इक्वल टू नॉर्म ऑफ टी, और ये हम ऑलरेडी प्रूफ कर चुके, मतलब कि कोई दिक्कत है नहीं इसमें, ठीक है। और आपने देखा ऐसे बहुत सारे मैंने थ्योरम प्रूफ किया है, ऐसा नहीं कि ये पहला थ्योरम इस टाइप का मिला है, ऐसे बहुत सारे थ्योरम प्रूफ हो चुके हैं ऑलरेडी, तो इसमें कुछ नहीं था, बहुत ही सिंपल है। अगर आप डायरेक्टली सिंपली तरीके से करते जाएंगे इसको स्टेप बाय स्टेप तो कुछ नहीं है, ठीक है। अभी मैं और चलूंगा, इनके और भी थ्योरम है उन पर डिस्कस कर लेते हैं, फिर आगे इस थ्योरम को प्रूफ देख लेते हैं, बहुत ही इजी है, और मैंने अभी जैसा कि आपको थ्योरम में बताया भी था तो इसी तरह ये भी बहुत सिंपल है और इसमें कुछ खास नहीं करना है, लेकिन आपको स्टेप बाय स्टेप अगर ध्यान से नहीं देखोगे तो इसमें कन्फ्यूजन भी आपको आ सकती है, तो स्टेप बाय स्टेप आपको समझना है। मेरे पास दो प्रूफ करने हैं, एक तो मेरे पास ये है और एक मेरे पास ये है, मतलब इससे मैं ये लाऊंगा और इससे मैं ये लाऊंगा, दोनों में मुझे प्रूफ यही करना है, क्लियर हो गया ना। तो पहले स्टेप में लेकर चलता हूं मैं, स्टेप फर्स्ट मेरे पास क्या है कि नॉर्म ऑफ टी स्टार इंटू टी, ठीक है, इक्वल टू मेरे पास है, ये मेरे पास प्रूफ करने के लिए दिया गया है, तो मैं स्टार्ट करता हूँ इन्हीं से स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। तो भाई मेरे पास है मान लो टी स्टार ओ इंटू टी और नॉर्म की प्रॉपर्टी के अप्लाई करूंगा तो मेरे नॉर्म की प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग ये मेरे पास क्या हो जाएगी, ठीक है, लेस आर इक्वल टू ये मेरे पास ये प्रूफ हो जाएगा इतना, तो नॉर्म की प्रॉपर्टी है, इसमें ज़्यादा सोचने वाली बात नहीं है आपके, ठीक है। और हमने एक बात अभी और भी प्रूफ किया था पहले अपने थ्योरम के अकॉर्डिंग कि मेरे पास टी स्टार इक्वल टू क्या होता है, वो मेरे पास नॉर्म ऑफ टी होता है। तो इस थ्योरम के अकॉर्डिंग मैंने पिछले अपने वीडियोस में बता रखे हैं, ये मत सोचना ये डायरेक्टली सर बोल रहे हैं, ये मैंने पिछले वीडियो में प्रूफ भी कर रखा है। तो इसको हम डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं यहां से, तो हम इसको लिख सकते हैं कि भाई इंप्लाइज दैट, तो यहां से मेरे पास आ गया नॉर्म ऑफ टी स्टार t,
टी और ये लेस आर इक्वल टू यहाँ पे आपके सामने आ जाएगा नॉर्म ऑफ टी और इनटू नॉर्म ऑफ टी दैट इक्वल टू स्क्वायर ऑफ नॉर्म ऑफ टी। तो मेरे पास हो गई पहली कंडीशन, तो इसको एक क्वेश्चन नंबर दे दिया फर्स्ट। इनक्वालिटी एक तो इनक्वालिटी मेरे सामने आ गई, अब मुझे दूसरी इनक्वालिटी लानी है जिसमें जिसमें मेरे पास ये क्या हो वो हो गेटर में, मतलब ये गेटर हो इससे, ठीक है, तो वो लेकर आएंगे तभी दोनों मर्ज करेंगे तभी इक्वल होगा। तो मतलब मुझे ये अब लेस लाना है इसमें, है ना। तो कैसे लाएंगे, तो देखो ना, अब हम लोग ऐसा करते हैं इसको लाते हैं ना, तो पहले तो ये लेते हैं हम लोग, ठीक है, टी लेते हैं और इसके साथ एक वाई ले लेते हैं और स्क्वायर, तो कंसीडर कर लेते हैं। नाउ कंसीडर और लेट ये कर लो, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत तो है नहीं। अब मैं इसको ब्रेक करूंगा, तो भाई आपको पता है कि नॉर्म ऑफ स्क्वायर ऑफ नॉर्म ऑफ एक्स इक्वल टू इन ए प्रोडक्ट एक्स कॉमा एक्स होता है, तो इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग मैं यहाँ से क्या लिख सकता हूँ, तो भाई यहाँ से आपके सामने आ जाएगा इन ए प्रोडक्ट, ठीक है, टी वाई कॉमा टी वाई, ये आ गया। टी को इधर भेजोगे तो टी स्टार हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, चलो हो जाएगा, तो यहाँ से हो जाएगा वाई कामा टी स्टार, सॉरी इसको भेज दो इधर, तो हो जाएगा टी स्टार टी का वाई कामा वाई, इसको इधर भेजेंगे तो टी स्टार में होगा कन्वर्ट, ये क्लियर होगा, नहीं हो गया। अब मैंने क्या बोला, यहाँ से अब सोच रहे होंगे ये कैसे टी स्टार में इधर आएगा, तो कैसे हो जाएगा भाई, इधर से चाहे इधर भेजो, चाहे इधर से इधर भेजो, चाहे इधर से इधर भेजो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। अगर आपको दिक्कत हो रही है तो आप इसको इधर से इधर भेज सकते हो। मैं वैसे मैं आपको बता दूं, टी इक्वल टू टी डबल स्टार होता है, और ठीक है, और मैंने ये प्रॉपर्टी कौन सी लगाई है, ये एडजॉइंट ऑपरेटर प्रॉपर्टी लगाई है, वो क्या होती है, वो ये होती है कि भाई अगर एक्स टी स्टार वाई इक्वल टू, तो इसको हम लिख सकते हैं टी एक्स कमा वाई, ये ऐसा लिख सकते हैं, ये क्या होता है एडजॉइंट ऑफ एन ऑपरेटर की प्रॉपर्टी होती है, ठीक है ना। तो इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग भाई टी को डबल स्टार होता है, तो एक स्टार, तो भाई इसके अकॉर्डिंग जैसे स्टार है तो इधर आया, स्टार खत्म हो गया, एक स्टार खत्म होता है ना, तो ये डबल स्टार अगर इधर आएगा तो एक स्टार तो बचेगा ना, तो इसलिए मैं डायरेक्टली ऐसे भी लिख सकता हूँ। या फिर आपको अगर कंफ्यूजन आ रही है तो आप इसको इधर लेकर जाएं, इसको भाई इससे ये लिख दें, कोई दिक्कत नहीं है, इधर आ जाएगा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, दोनों ही मतलब सरल है। तो मैं डायरेक्टली अगर ये लिख चुका हूँ, ठीक है, तो मतलब इसको भी समझ लें मैंने कैसे लिखा है, और अगर उसको भी लिख रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। और भाई इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, मॉड इन अ प्रोडक्ट टी स्टार टी वाई कामा वाई, ये लिख सकता हूँ। और इसको अगर मैं बैक करूंगा तो ये हो जाएगा लेस आर इक्वल टू नॉर्म ऑफ, क्योंकि ये बाई स्वार्ज इनइक्वालिटी, ठीक है, बाई स्वार्ज इनइक्वालिटी, बात समझ आ गई नहीं आ गई, तो इसके अकॉर्डिंग मैं यहाँ से क्या लिख सकता हूँ कि नॉर्म ऑफ टी स्टार टी वाई और इनटू नॉर्म ऑफ वाई। तो इसको अगर हम नॉर्म की प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा, चलो इसको निश्चित में थोड़ा लिख दिया जाए, है ना, तो यहाँ से हो जाएगा नॉर्म ऑफ टी वाई का स्क्वायर और लेस आर इक्वल टू, ये हो जाएगा मेरे पास नॉर्म ऑफ टी स्टार इंटू टी और इंटू नॉर्म ऑफ वाई का स्क्वायर, बस समझ आ गई ना। तो यहाँ से मैंने नॉर्म की प्रॉपर्टी अप्लाई कर दी, तो ब्रेक हो गया, जैसे कि मैंने इसको ब्रेक किया था वैसे इसको भी ब्रेक कर लिया, आगे सॉल्व कर लिया। अब मुझे y हटाना है, क्यों मिला कि मुझे y हटाना है, ये y रेटर में हटाना है, तो मैं क्या करूंगा, सुप्रीमम ले लूंगा, सुप्रीमम टेकिंग सुप्रीमम, ठीक है, सुप्रीमम ऑन बोथ साइड, ठीक है, ओवर नॉर्म ऑफ y लेस आर इक्वल टू 1, देन वी गेट स्क्वायर ऑफ नॉर्म ऑफ t, चलो राइट ही कर दूं, डायरेक्टली ना राइट करके थोड़ा समझाई दूं, सुप्रीमम, ठीक है, स्क्वायर ऑफ नॉर्म ऑफ टी वाई सच दैट स्क्वायर ऑफ नॉर्म ऑफ वाई, सॉरी नॉर्म ऑफ वाई लेस आर इक्वल टू 1 इज लेस आर इक्वल टू सुप्रीमम, ठीक है, नॉर्म ऑफ टी स्टार इंटू टी इंटू स्क्वायर ऑफ नॉर्म ऑफ वाई सच दैट वाई नॉर्म ऑफ वाई लेस आर इक्वल टू 1, ये बात तो कंफर्म हो गया। अब यहां से मैं आगे इसको अगर सॉल्व करूंगा तो यहां से मेरे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, यहां से आ जाएगा स्क्वायर ऑफ टी लेस आर इक्वल टू, और यहां से आपके पास आ जाएगा स्क्वायर सॉरी टी स्टार नॉर्म ऑफ टी स्टार इंटू टी, ये मेरे पास वैल्यू आ जाएगी। इसको मैंने नाम दे दिया इक्वेशन नंबर सेकेंड, तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकेंड, तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, फर्स्ट एंड सेकेंड को अगर आप मर्ज करेंगे वैल्यू को, तो यहां से मेरे पास आ जाएगा
कि नॉर्म ऑफ टी स्टार टी इक्वल टू स्क्वायर ऑफ टी स्क्वायर, है ना। तो ये मेरे पास मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आपने ये देखा, आराम से प्रूफ हो गया है ना, इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं। अब अगर मुझे ये प्रूफ करना है, सॉरी नेक्स्ट प्रूफ करना है, तो मैं क्या करूंगा, रिप्लेस कर दूंगा। मैं क्या करूंगा, रिप्लेस कर दूंगा, ठीक है, कि टी स्टार इक्वल टू टी, टी स्टार इक्वल टू टी, या फिर बोले टी इक्वल टू टी स्टार, ठीक है। तो मैं इसको अगर अप्लाई करूंगा, ये फर्स्ट प्रूफ हो गया फ्रेंड्स। ये सेकेंड स्टेप की मैं बात करूं, चलो सेकेंड स्टेप में चलो इधर कर रहा हूं, ठीक है। स्टेप सेकेंड में मुझे प्रूफ करना है, आपको पता है मुझे क्या प्रूफ करना है, ठीक है। चलो इसमें मैं क्या करता हूँ, इसी इक्वेशन में मैं क्या करता हूँ, रिप्लेस कर देता हूँ टी बाय टी स्टार। तो यहां से मेरे पास वैल्यू क्या आ जाती है, वो आ जाती है नॉर्म ऑफ टी स्टार इंटू, अब टी स्टार का स्टार हो जाएगा और इंटू टी स्टार हो जाएगा, ठीक है, और इक्वल टू हो जाएगा टी स्टार का स्क्वायर हो जाएगा। बस नहीं ना, जहां टी है वहां पे टी स्टार ऐड करके देखो तो ये मेरा बनेगा। अब हम इसको आगे और सॉल्व कर लें, तो यहां से वैल्यू क्या आ जाती है भाई, इसकी वैल्यू तो होती है वन, सॉरी टी, इसकी वैल्यू क्या होती है टी, और आपको पता है इसकी वैल्यू क्या होती है, इसकी वैल्यू होती है नॉर्म ऑफ टी। तो मैं रिप्लेस कर दूं सारी वैल्यू, तो यहां से वैल्यू मेरे पास आ जाती है टी कामा टी स्टार, सॉरी इंटू टी स्टार, ठीक है, इक्वल टू मेरे पास ये हो जाता है स्क्वायर ऑफ नॉर्म ऑफ टी, और आराम से ये प्रूफ हो गया। तो फर्स्ट प्रूफ एंड ये सेकेंड प्रूफ। तो आपने देखा कि इस थ्योरम में भी ज्यादा कुछ खास था नहीं, ठीक है। एक और नेक्स्ट थ्योरम देख लेते हैं, यहाँ पर नेक्स्ट थ्योरम लिया है कि द एडजॉइंट ऑपरेटर टी इंटू टी स्टार इज वन वन ऑन टू कंटिन्यूअस मैपिंग ऑफ बी एक्स इंटू इटसेल्फ। बी एक्स क्या होता है वो तो आपको पता ही है कि द सेट ऑफ ऑल, ठीक है, ऑपरेटर, ठीक है ना, सेट ऑफ ऑल ऑपरेटर। लेकिन यहां पे हमें समझना क्या है, टी इंटू टी स्टार है, पहले मैपिंग को डिफाइन करेंगे। तो डिफाइन करते हैं मैपिंग को पहले, और इसको हम वन वन ऑन टू और इसका कंटिन्यूअस प्रूफ करते हैं, ठीक है। तो पहले डिफाइन मैपिंग कर लेते हैं। मैपिंग मेरे पास क्या डिफाइन होती है कि साइन मैंने मान लिया, ठीक है, कोई भी नोटेशन आप देखें मान लें साइन, ठीक है, मैंने साइन लिया, साइन फ्रॉम इटसेल्फ लगा है, इनटू इटसेल्फ लगा है, मतलब इसी का इसी में देना है मुझे, तो बी एक्स इंटू बी एक्स, ठीक है, ये बात समझ आएगी। एंड मेरे पास मैपिंग भी डिफाइन है कि साइन टी को जब रखा जाता है तो टी स्टार में मैप होता जाके, ये भी मेरे पास डिफाइन है। तो ये तो बात समझ में आ गई तुम लोग को, लेकिन अब मुझे क्या करना है, ये मैपिंग मुझे डिफाइन हो चुकी है, अब मुझे इसको वन वन और ऑन टू दोनों ही प्रूफ कराने हैं, ठीक है। मैपिंग कुछ इस प्रकार से है, और ये मेरे पास डिफाइन है साइन, ये मेरे पास बी एक्स होगा और ये भी मेरे पास बी एक्स होगा, ठीक है। बी एक्स क्या होता है, द सेट ऑफ ऑल ऑपरेटर्स, तो टी स्टार एक प्रकार का ये भी ऑपरेटर है, टी भी मेरा क्या है, ऑपरेटर है, ठीक है ना। तो ये और ये मैपिंग डिफाइन हो गई है। अब वन वन ऑन टू के केसेस में आपको क्या करना होता है, वन वन क्या होता है कि इक्वल आप क्या लेकर चले, एलिमेंट्स लेकर चले, तो इक्वल इमेजेस मिलेंगे, और डिफरेंट एलिमेंट लेकर चलेंगे तो डिफरेंट एलिमेंट्स मिलेंगे। तो मैं मानता हूं कि इसके अंदर जो टी वन टी टू है, टी वन और टी टू लेकर चलता हूं मैं, ठीक है। तो मुझे यहाँ पर जो इमेजेस मिलेंगे उसके टी वन और टी टू के, तो वो आपको क्या मिलेंगे, आप समझ सकते हैं इसी प्रकार से, बस नहीं आ रही है। तो हम क्या करते हैं, इनके इमेजेस ले लेते हैं भाई, ये क्या है एक्चुअली में, इसको बोलते हैं साइन टी वन, ठीक है, और इसको क्या बोलते हैं साइन टी टू, बस समझ नहीं आ रही। तो यहां से पहले हम दिखाते हैं वन वन और फिर दिखाएंगे ऑन टू। तो वन वन क्या हो जाएगा यहां से आपका, तो साइन टी वन, लेट कर लो पहले, तो आप लेट ही कर लो, लेट कर लिया मैंने कि टी वन इंटू टी वन कामा टी टू दोनों बिलोंग कर रहे हैं कहां पर, बी एक्स में, ठीक है। देन सच दैट मेरे पास क्या हो जाएगा, साइन टी वन इक्वल टू साइन टी टू, सो इंप्लाइज दैट। तो यहां से आपके सामने वैल्यू क्या निकल के आएगी फ्रेंड्स, साइन टी वन यानी कि टी स्टार, टी वन स्टार इक्वल टू यहां से आ जाएगा टी टू स्टार, बस में आ गया। बोथ साइड अगर आप स्टार और ले लें अगेन, तो ये ऐसा हो जाएगा, और आपको पता है ये वैल्यू किसकी होती है, टी वन की होती है, वैल्यू किसकी होती है, टी टू की होती है। तो आप आराम से लेकर गए और ये प्रूफ कर लिए, ठीक है। तो इक्वल एलिमेंट्स के लिए इक्वल इमेजेस, या इक्वल इमेजेस के लिए इक्वल एलिमेंट्स, तो ये इफ ओनली इफ का केस होता है, कुछ इस प्रकार से आप राइट कर सकते हैं। ये तो बात समझ आ गया, हेंस आप डायरेक्टली कह सकते हैं कि साइन टी इज वन वन, एक बात तो प्रूफ हो गई। अब चलो ऑन टू देख लेते हैं।
आंटू केस में। आंटू केस क्या बोलता है भाई कि मान लो मेरे पास मैपिंग मेरे पास है साइन टी इक्वल टू टी स्टार, भाई ये मैपिंग ऐसी है और ये मैपिंग ऐसे भी एग्जिस्ट होनी चाहिए, कहने मतलब ये ठीक है। अगर आप यहाँ से इसको मैप कराएं तो टी वन स्टार का मैपिंग क्या मिलना चाहिए, टी वन मिलना चाहिए। तो ये मेरा आंटू होता है कि अगर यहाँ से यहाँ गया तो यहाँ से यहाँ आया तो मिलना चाहिए मुझे, कोई दिक्कत है नहीं। तो हम चेक करते हैं ना भाई क्या दिक्कत है, मतलब आंटू के केसेस में ये चीज आपको जरूर करना है ठीक है। तो मैं लेकर चल रहा हूँ और मैं यहाँ पर रिप्लेस कर रहा हूँ टी रिप्लेस बाई टी स्टार, तो यहाँ से आपके सामने हो जाएगा ठीक है। रिप्लेस लिख लो भाई, तो यहाँ से आपके सामने हो जाएगा साई टी स्टार इक्वल टू टी स्टार का स्टार, तो मेरे पास हो जाएगा साइन टी स्टार इक्वल टू टी। तो इसका मतलब क्या हुआ, हेंस मेरे पास साइन टी भी क्या हो गया इज आंटू। आंटू भी प्रूफ हो गया, वन वन भी प्रूफ हो गया। अब मुझे दिखाना है क्या दिखाना है, फाइनली मुझे अब दिखाना है ओनली कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस का मतलब होता है मुझे बाउंडेड दिखाना है। बाउंडेड की कंडीशन क्या होती है आपको पता है बात बहुत अच्छे तरीके से, तो हम पहले बाउंडेड दिखाएंगे और इसको आगे प्रूफ करेंगे ठीक है। तो थर्ड स्टेप मेरे पास क्या है, स्टेप थर्ड में मेरे पास है भाई, ये स्टेप फर्स्ट था, ये स्टेप सेकंड था, ये स्टेप थर्ड, कि मैं क्या दिखाना चाहता हूं कि साइन टी इज कंटिन्यूअस। तो मेरे पास एक बात तो कंफर्म है कि इसको मुझे बाउंडेड जरूर दिखाना पड़ेगा, क्योंकि जो बाउंडेड होते हैं वही मेरे पास कंटिन्यूअस भी होते हैं। तो एक बात तो कंफर्म हो गई ठीक है, मैं लेट कर लेता हूं कि y बिलोंग्स टू h सच दैट। एक बात तो अभी हम लोगों ने देखा भी है कि मेरे पास मान लो टी स्टार वाई है स्क्वायर ऑफ, ये कंसिडर कर सकता हूँ मैं ठीक है। तो यहाँ से इसको मैं क्या लिखूंगा, तो यहाँ से मेरे पास हो जाएगा इन प्रोडक्ट टी स्टार वाई कामा टी स्टार वाई हो जाएगा राइट। अब हम इसको क्या लिखेंगे, तो ये मेरे पास हो जाएगा टी टी स्टार वाई कामा वाई ठीक है। तो इसको मॉड लिख लेंगे कोई दिक्कत है नहीं। अब बाइट स्वाज इनक्वालिटी के अकॉर्डिंग मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ लेस आर इक्वल टू ठीक है। और ये मेरे पास हो जाएगा टी टी स्टार वाई इंटू वाई नॉर्म ऑफ वाई ठीक है, ऐसा हो जाएगा। अब इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, तो यहाँ से मेरे पास ये आ जाएगा लेस आर इक्वल टू टी टी स्टार और ये हो जाएगा वाई का स्क्वायर ठीक है। और यहाँ पे मेरे पास क्या चल रहा है, ये चल रहा है, ये तो ठीक है यहाँ तक तो कोई दिक्कत है नहीं। अगर आप क्या करें बोथ साइड आप ले लेते हैं सुप्रीमम, तो मैं लिखूंगा नहीं आप समझा रहा हूँ ठीक है। अगर आप बोथ साइड सुप्रीमम लेते हैं तो यहाँ से मेरे सामने एक वैल्यू निकल के आती है, वो वैल्यू मेरे पास क्या होती है कि यहाँ से आएगा स्क्वायर ऑफ टी स्टार वाई लेस आर इक्वल टू यहाँ से आ जाएगा टी और नॉर्म ऑफ टी स्टार, ये हो जाएगा। मैं ऐसा कर रहा हूँ एक कैंसिल कर दे रहा हूँ ठीक है। तो मेरे पास वैल्यू क्या निकल के आ जाएगा, तो मेरे पास वैल्यू निकल के आ जाएगा नॉर्म ऑफ टी स्टार इक्वल टू सॉरी लेस आर इक्वल टू और नॉर्म ऑफ यहाँ पे टी निकल के आ जाएगा। अब मैं क्या करता हूँ भाई, कंडीशन तो ये है कि ये मेरे पास होता है साइन टी, ये मेरे पास क्या होता है साइन टी होता है, और लेस आर इक्वल टू ये मेरे पास क्या होता है भाई, इसको तो ऐसे लिखा रहे तो कोई दिक्कत है नहीं ठीक है। अब यहाँ पे कांस्टेंट की जरूरत है क्योंकि फॉर्मूले के अकॉर्डिंग यहाँ पे के होता है के इनटू, तो मैं इसको के लिख रहा हूँ और बोल दे रहा हूँ कि मेरे पास जो के है वो इक्वल टू वन है, कोई दिक्कत है नहीं ना। तो बाउंडेड की कंडीशन फॉलो कर रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि साइन टी इज बाउंडेड ठीक है। अगर साइन टी मेरा बाउंडेड है तो इसका मतलब क्या हुआ कि साइन टी इज कंटिन्यूअस है ना। तो साइन टी मेरा क्या हो गया, अब कंटिन्यूअस भी हो गया, तो बाउंडेड है तभी ये कंटिन्यूअस होगा, क्लियर हो गया ना। तो मैंने क्या देखा, पहले वन वन देखा जो कि बहुत सिंपल था कि इक्वल एलिमेंट्स के लिए इक्वल इमेजेस ठीक है। अब मैंने फिर क्या देखा, मैंने आंटू देखा, फिर मैंने क्या देखा कंटिन्यूअस, और कंटिन्यूअस की कंडीशन क्या होती है आपने बना से सीखते हुए आ रहे हो, आराम से यहाँ तक सॉल्व किया तो कंटिन्यूअस देख लिया, तो तीनों मेरे पास प्रूफ हो गए। तो अभी और दो थ्योरम है इसी डेफिनेशन बेस पर, तो हम उनको भी देखेंगे, उसके बाद हम आपको बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में सेल्फ एडजॉइंट ठीक है। तो बहुत ही सिंपल है सेल्फ एडजॉइंट भी, तो पहले हम इसकी दो वीडियो और देखेंगे, मतलब सॉरी दो थ्योरम और देखेंगे, उसके बाद फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, क्लियर हो गया ना। फ्रेंड्स मैंने यहाँ पर दोनों थ्योरम्स ले लिए हैं जिनका अलग अलग प्रूफ देखेंगे, पहले इसका देख लेते हैं फिर इसका देख लेंगे ठीक है। तो इस थ्योरम का प्रूफ क्या कह रहा है कि प्रूफ करने से पहले मैं स्टेटमेंट पढ़ना चाहूंगा एक बार कि इफ जीरो एंड आई बी ए जीरो एंड आइडेंटिटी ट्रांसफॉर्मेशन देन, ये मेरे पास
ये जीरो ट्रांसफॉर्मेशन है और ये एलएनटी ट्रांसफॉर्मेशन है, ठीक है। देन मुझे प्रूफ करना है कि जीरो स्टार इक्वल टू जीरो एंड आई स्टार इक्वल टू आई। तो कैसे प्रूफ करेंगे, बहुत आसान है। तो मैं क्या करता हूं, ये तो कंफर्म हो गया ना, तो डायरेक्टली मैं आपको प्रूफ ही कराता हूं, ठीक है। तो पहले मैं प्रूफ कर लेता हूं कि जीरो स्टार इज जीरो। मेरा प्रूफ करने का एम तो समझ में आ ही चुका होगा, तो डायरेक्टली मैं आपको बता रहा हूं कि लेट कर लेता हूं मैं कि एक्स एंड वाई बिलोंग्स टू एच। देन तो मैं लेकर चल रहा हूँ एक्स कामा जीरो स्टार वाई इक्वल टू, अभी ऐसे मैंने बहुत सारे थ्योरम देखे हैं तो इसको भी डायरेक्टली देखो। ये मेरे पास हो जाएगा जीरो, ठीक है, ये एडजॉइंट ऑपरेटर की डेफिनेशन में अप्लाई कर रहा हूँ। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, जीरो एक्स कामा वाई, और यहाँ से हो जाएगा वैल्यू जीरो में चली जाएगी, ठीक है। और ये वैल्यू मैं क्या लिख सकता हूँ डायरेक्टली जीरो, और इसको मैं क्या लिख सकता हूँ एक्स कामा जीरो, क्योंकि दोनों की डेफिनेशन जीरो होती है ना। ये भी मैंने प्रूफ कराया था, ये बात मत बोलना कि ठीक है कैसे आया, तो ये मैंने प्रूफ कराया था। तो आप मेरे अगर पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो वहाँ पे जाके देख सकते हैं कि मैंने ये कैसे प्रूफ किया था, बहुत आसान है, ठीक है। अब आगे हम देखते हैं, तो यहाँ से मेरा ये हो जाएगा एक्स कामा, और इसको मैं लिख सकता हूँ जीरो वाई लिख सकता हूँ, और यहाँ से मेरा हो जाएगा, ठीक है, कंपेयर करके देख लो एक बार। तो सो इम्प्लाई दैट डायरेक्टली मैं बोल सकता हूँ जीरो स्टार इक्वल टू जीरो। अब मैं नेक्स्ट बताने वाला हूँ, ठीक है, उसके लिए भी लेट मैं कर लेता हूँ कि एक्स और वाई मेरे पास क्या है, बिलोंग्स टू एच है। देन तो मेरे पास क्या हो जाएगा, तो यहाँ से मेरे पास I के लिए हो जाएगा, तो x कामा आई स्टार वाई इक्वल टू ये हो जाएगा मेरे पास I इंटू एक्स कामा वाई, और I के साथ किसी भी संख्या मल्टीप्लाई करेंगे तो वही आता है, तो मेरे पास I कामा वाई हो जाएगा। इसको मैं बोल सकता हूँ x कामा आई वाई, और इसको मैं डायरेक्टली बोल सकता हूँ यहाँ से टिक कंपेयर करने के बाद, तो I स्टार इक्वल टू आई। ये देखो मेरा दोनों ही प्रूफ हो चुका है आसानी साथ। चलो मैं नेक्स्ट थ्योरम में चलता हूँ। ये बोल रहा है कि इफ टी इज ए नॉन सिंगुलर ऑपरेटर ऑन हिल्बर्ट स्पेस एच। टी मेरा क्या है, लेट टी क्या है, टी इज नॉन सिंगुलर, ठीक है, ऑपरेटर ऑन हिल्बर्ट, ठीक है, ये बात है हिल्बर्ट स्पेस एच, स्पेस एच। अब मुझे प्रूफ करना है, चलो प्रूफ कर लेते हैं डायरेक्टली, ठीक है। तो देयर एग्जिस्ट, अगर ये नॉन सिंगुलर है तो मतलब टी इनवर्स एग्जिस्ट करना चाहिए, सच दैट मेरे पास हो जाएगा टी इंटू टी इनवर्स इक्वल टू टी इनवर्स इंटू टी इक्वल टू आई। ये बात समझ आएगी। अगर मैं इसका क्या करता हूँ, मतलब कि मैं ये दिखाता हूँ कि टी स्टार, तो टी स्टार मतलब होता है ये सब स्टार में अगर मैं इंटू करके आई दिखा देता हूँ तो मैं डायरेक्टली बोल सकता हूँ कि टी इज आल्सो नॉन सिंगुलर, और ये मेरे पास कंडीशन प्रूफ हो जाती है। तो मैं क्या करता हूँ बोथ साइड, ठीक है, स्टार ले लेता हूँ यहाँ पर, तो मेरे पास हो जाएगा टी इंटू टी इनवर्स, और स्टार ले लिया मैंने, ये देखो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। मैं इसको क्या ले सकता हूँ, यहाँ से आपका ये हो जाएगा, अभी मैंने प्रॉपर्टी कराई थी टी वन इंटू टी टू का होल स्टार इक्वल टू टी टू स्टार इंटू टी वन स्टार, ठीक है। दैट मीन्स इधर मेरे पास क्या हो जाएगा, तो टी इनवर्स का स्टार और इंटू टी स्टार इक्वल टू यहाँ से हो जाएगा आपके पास T स्टार इंटू टी इनवर्स स्टार, ठीक है, इक्वल टू I का स्टार, मतलब I होता है, अभी हमने प्रूव किया I का स्टार इक्वल टू क्या होता है, I होता है। तो इसका मतलब ये हुआ है कि मेरे पास T इनवर्स क्या होगा इज ए सॉरी T स्टार, तो इसका मतलब क्या हुआ कि T स्टार इज ए नॉन सिंगुलर, ठीक है, T स्टार इज ए नॉन सिंगुलर। एंड अगर ये नॉन सिंगुलर है तो मेरे पास डेफिनेशन नेक्स्ट क्या निकल के आती है, एंड टी इनवर्स स्टार इक्वल टू टी स्टार इनवर्स, ये भी कोई दिक्कत है नहीं क्योंकि पावर की इधर कोई दिक्कत नहीं है। तो ये प्रूफ हो चुका है इसका भी, सेकंड थ्योरम का भी प्रूफ हो चुका है, फर्स्ट थ्योरम का भी प्रूफ हो चुका है, ठीक है फ्रेंड्स। तो मैंने आज क्या देखा कि ऑपरेटर क्या होता है, सेट ऑफ ऑल ऑपरेटर्स क्या होते हैं ऑन एच एंड ऑन एच स्टार, एंड मैंने एडजॉइंट ऑफ एन ऑपरेटर के बारे में देखा है, और इससे जितने भी रिलेटेड इंपॉर्टेंट थ्योरम है वो मैंने आपको करा दिए हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं सेल्फ एडजॉइंट क्या होता है और यूनिटरी ऑपरेटर क्या होता है, पॉजिटिव ऑपरेटर, उसके बाद हमारा ये लगभग हिल्बर्ट खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो फिर भी अगर आपको कोई डाउट आता है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं और मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से भी ज्वाइन हो सकते हैं, ठीक है, वहाँ पे आके पूछ सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको हेल्प जरूर करूँगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना, ओके।